भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की। देखिए, मुझे भारी ऑब्जेक्शन है इस बात का कि एक ऐसे व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के मामले में जेल रहकर आया है उसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कंपेयर किया जा रहा है। जहां तक दिल्ली की राजनीति की बात है, आतिशी जी ने आज हद कर दी है और जो रही सही उम्मीदें लोगों को इस सरकार से थी वो पूरी तरीके से आज कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आ रही है। जिस तरीके से आतिशी जी ने स्वयं अपने आप को एक डमी मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया है, तो मुझे कोई उम्मीद अब बची नहीं है कि देश की जनता, दिल्ली की, विशेष रूप से दिल्ली की जनता जो ये आस लगाए बैठी थी कि कुछ सरकार जो है वो आगे बढ़ेगी, कुछ उनकी समस्याओं का समाधान करेगी, आज इस हरकत से माननीय आतिशी जी ने ये सिद्ध कर दिया है कि लोगों को अब आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से, दिल्ली के मुख्यमंत्री से किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।